नमस्ते, सीक्रेट रिकैप यहाँ। आज मैं एक अमेरिकी कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ओपोजिट डे। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म रोड्रिज नाम के एक वयस्क बंदर के साथ शुरू होती है जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी कुडलटाइन कॉर्पोरेशन में पहुंचता है जो माता पिता और उनके बच्चों के लिए खानपान और मशीनों को विकसित करने में माहिर है। रोड्रिग्स का स्वागत कुडलडाइन के डॉक्टर गॉडफ्रे लैराबी और उनके सहायक दिमित्री ने किया, जिन्होंने डेमिस्टिफायर नामक एक प्रयोगात्मक मशीन का निर्माण किया है जो उनका मानना है कि माता पिता को शिशु भाषा को धारा प्रवाह बोलने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने रोड्रिगेज को मशीन के अंदर डाल दिया और उसे एक बंदर के बच्चे से जोड़ दिया। वे रोड्रिगेज को बेबी मंकी भाषा बोलने और समझने में मदद करने की उम्मीद कर रहे हैं। रोड्रिग्ज डिमिस्टिफिकेशन से गुजरता है लेकिन प्रयोग बगल में चला जाता है और जब बंदर मशीन से बाहर निकलता है तो वह एक बच्चे के बंदर की तरह अभिनय करते हुए डायपर पहनकर बाहर आता है। मशीन ने वयस्क बंदर को नन्हे बंदर में बदल दिया है। डॉक्टर गॉडफ्रे हताशा में चिल्लाते हैं क्योंकि उन्हें अपने बॉस के सामने डिमिस्टिफायर पेश करना होता है। फिल्म तब मध्य विद्यालय के छात्रों के एक समूह में कट जाती है जिसमें सैमुअल बेंसन, सैमुअल की बहन कार्ला बेंसन, सू और जैस्पर खेल के मैदान में खेल रहे हैं। स्लाइड पर सैमुअल अपने दोस्तों से शिकायत करता है कि कैसे उसके माता पिता उसे छोटी छोटी बातों के लिए आधार बनाते रहते हैं। कार्ला अपने माता पिता के बचाव में आती है और दूसरे बच्चों को बताती है कि सैम ने मक्खन रगड़ने के कारण जमीन पर कब्जा कर लिया था, बैनिस्टर पर और अपने अंडरवियर में उस पर फिसल गया। सैम अपनी आंखें घुमाता है और अपने माता पिता को बॉस कहता है जो उसकी स्वतंत्रता और मस्ती को प्रतिबंधित करने के लिए हर रोज यादृच्छिक नियम बनाते हैं। कार्ला ने जवाब दिया कि अगर सैम के पास अपना रास्ता होता तो उनका पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता, लेकिन सैम अपनी शेखी बघारता रहता है और अपने जीवन को बुलाता है अनुचित और दावा करता है कि वह अपने माता पिता की जगह ले सकता है और वे जो करते हैं वह आसानी से कर सकते हैं। वह कहता है कि जब उसके बच्चे होंगे तो वह उन्हें वह करने देगा जो वे चाहते हैं। सैम, कार्ला और अन्य बच्चे फिर चार्ल्स लैराबी नाम के एक लड़के से जुड़ जाते हैं जो डॉक्टर गॉडफ्रे का बेटा है। उनकी बातचीत सुनने के बाद चार्ल्स कहता है कि वह वास्तव में अपने पिता से प्यार करता है लेकिन वह चाहता है कि उसके पिता उसके साथ और अधिक खेले। सभी के माता पिता उन्हें लेने आते हैं और चार्ल्स अपने दोस्तों को उनके माता पिता के साथ जाते हुए देखता है। चार्ल्स अपने शिक्षक के साथ एक घंटे तक प्रतीक्षा करता है, उसके बाद उसके पिता अंततः उसे लेने आते हैं। चेस परेशान है लेकिन जब उसके पिता उसे अपना पसंदीदा कारमेल मकई देते हैं तो वह उसे माफ कर देता है। इस बीच जब सैम और कार्ला घर लौटते हैं तो वे अपने दादा दादी जैक और मार्था को पोर्च पर देखते हैं और जल्दी से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वे छुट्टी पर जा रहे होंगे। सैम के पिता रॉबर्ट अपने बेटे को गले लगाने का प्रयास करते हैं लेकिन सैम उसे बताता है कि वह अब बड़ा हो गया है और रोब से उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं करने के लिए कहता है। जैसे ही सैम और कार्ला अपने दादा दादी के दूरस्थ केबिन में जाने के लिए तैयार होते हैं, उनकी माँ डेनिस को पता चलता है कि वह काम की आपात स्थिति के कारण उसे वापस रहना पड़ता है और रोब उसके साथ रहने का फैसला करता है। सैम और कार्ला परेशान हैं, लेकिन जैक बच्चों से वादा करता है कि उन्हें बहुत मजा आएगा। गॉडफ्रे अपने बेटे को अपने कार्यालय में ले जाता है जबकि सैम और कार्ला अपने दादा दादी के अवकाश गृह में जाते हैं। केबिन के रास्ते में सैम कार्ला को बताता है कि अगर वह प्रभारी होता तो वह बेवकूफ काम के लिए परिवार की छुट्टी बर्बाद नहीं करता। इस बीच कुडलडाइन में गॉडफ्रे ने चार्ल्स को दिमित्री के बेटे एलेक्सिया से मिलवाया और अपने बॉस मिस्टर मोंटगोमरी से मिलने जाता है जो डेमिस्टिफायर को देखने के लिए अधिक से अधिक अधीर होता जा रहा है। गॉडफ्रे और दिमित्री उसे डेमिस्टिफायर को देखने से रोकने के लिए कचरा उपकरणों का एक गुच्छा दिखाते हैं लेकिन मोंटगोमरी ने उसे मशीन नहीं दिखाने पर उसे आग लगाने की धमकी दी। कोई विकल्प नहीं बचा, गॉडफ्रे उसे अधूरी मशीन दिखाने का फैसला करता है। कहीं और मार्था सैम और कार्ला के कमरे के बाहर एक विशिंग स्टार को देखती है और उन्हें एक इच्छा करने के लिए कहती है। मार्था और जैक के जाने के बाद सैम चाहता है कि बच्चे सोने से पहले दुनिया पर राज करें। कडलडाइन पर वापस गॉडफ्रे अपने बेटे को परीक्षा का विषय बनने के लिए कहता है ताकि वह अपने मालिक को दिखा सके कि मशीन कैसे काम करती है। चेस थोड़ा संशय में है लेकिन गॉडफ्रे ने उसे आश्वासन दिया कि अगर वह सुरक्षित नहीं होता तो वह उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहता। चार्ल्स शुरू में सहमत हो जाता है लेकिन बाद में अपना मन बदल लेता है और अपने पिता को अपने प्रयोगों के लिए अपने बेटे को गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कहता है। परेशान होकर चेस मशीन को ट्रैश कर देता है और उसमें खराबी आने लगती है। मशीन सफेद धुंध छोड़ना शुरू कर देती है जो न केवल कडलडाइन मुख्यालय बल्कि पूरे शहर को भी अपने कब्जे में ले लेती है। जब धुआं शांत हो जाता है, चार्ल्स एलेक्सिया के साथ फिर से जुड़ जाता है और वे देखते हैं कि सभी वयस्क बच्चों की तरह काम कर रहे हैं। चिंतित चेस गॉडफ्रे के कंप्यूटर की जांच करता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। कंप्यूटर से पता चलता है कि डिमिस्टिफायर में पूरी तरह से खराबी थी जिसके परिणामस्वरूप रिसाव हुआ। रिसाव ने एक धुंध पैदा कर दी जिसने पूरे शहर को 5 मील के दायरे में ले लिया है जिससे परिवार के सभी सदस्यों ने पहचान बदल ली है। माता पिता अपने बच्चों के व्यक्तित्व और बच्चों को अपने माता पिता के व्यक्तित्व पर ले जा रहे हैं।
जब सैम और कार्ला, जो धुंध के संपर्क में नहीं आए, अपने दादा दादी के साथ वापस शहर लौटते हैं, तो उन्हें जल्दी पता चलता है कि दुनिया उल्टी हो गई है। सभी वयस्क छोटे बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और बच्चे दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए हैं। बच्चे कार चला रहे हैं, मेयर के लिए दौड़ रहे हैं, आग बुझा रहे हैं और सड़कों पर पुलिस व्यवस्था कर रहे हैं। सैम की इच्छा पूरी हुई और वह बेहद खुश हो गया। वह चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ इस नई दुनिया में टहलता है। इस बीच मार्था और जैक को एक पुलिस अधिकारी द्वारा नाबालिग के रूप में कार चलाने और लगभग एक बच्चे यानी एक आदमी द्वारा कुचले जाने के आरोप में पकड़ लिया जाता है। सैम और कार्ला उनके पीछे पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात उनके स्कूल के दोस्त जैस्पर से होती है, जिसने उसके पुलिस वाले पिता की भूमिका निभाई है। मार्था और जैक को एक जज के सामने पेश किया जाता है। एक नाबालिग के रूप में वाहन चलाने, स्टॉप साइन चलाने और गर्ल स्काउट कुकीज के साथ एक अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करने के लिए न्यायाधीश उन्हें फटकार लगाता है। न्यायाधीश ने उन्हें एकांत कारावास में 25 साल की सजा सुनाई। सैम और कार्ला का इसमें कोई अधिकार नहीं है और अधिकारी जैस्पर द्वारा उन्हें वापस उनके घर छोड़ दिया जाता है। जब वे अपने घर में प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कि घर उल्टा हो गया है। जैसे ही उन्हें आश्चर्य होता है कि किसने उनके पूरे घर को रौंद डाला, रोब और डेनिस बच्चों की तरह अभिनय करते हुए गंदगी के पीछे से बाहर निकलते हैं। वे कार्ला और सैम को अपनी माँ और पिताजी कहते हैं। सैम मौके का पूरा फायदा उठाता है और रोब और डेनिस को पूरे घर की सफाई करवाता है। कार्ला ने उसे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए बुलाया, लेकिन सैम का तर्क है कि यह वापस भुगतान का समय है और उनके माता पिता के पास यह आ रहा था। बाद में सैम और कार्ला अपने माता पिता को नहलाते हैं और उन्हें बिस्तर पर लिटाने से पहले उनके दांत ब्रश करते हैं। हालांकि सैम की मस्ती ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अगले दिन रोब और डेनिस जल्दी उठते हैं और सैम और कार्ला को उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे ही नए बच्चे नाश्ता करते हैं, दरवाजे पर कोई दिखाई देता है। यह सू कार्ला की दोस्त है, जिसकी माँ डेनिस के साथ काम करती है। सू ने अपनी माँ की नौकरी ले ली है और कार्ला को लेने के लिए यहाँ है, क्योंकि उसे काम पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तुति देनी है। उन्हें काम के लिए देर हो रही है, इसलिए सू उसकी पोशाक चुनने में उसकी मदद करती है। डेनिस की पूरी अलमारी को खंगालने के बाद वे अंत में एक काले रंग की पोशाक का चयन करते हैं। जाने से पहले कार्ला अपने भाई को याद दिलाती है कि उन्हें इस गड़बड़ी को ठीक करना होगा, क्योंकि मार्था और रॉब जेल में सड़ रहे हैं। हालांकि वह सच्चाई से आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि वे वास्तव में जेल में एक गेंद रख रहे हैं। नाश्ते के बाद सैम किसी तरह रोब और डेनिस को स्कूल ले जाता है। इस बीच चार्ल्स कडलडाइन में अनुसंधान जारी रख रहा है और अपने पिता की कुछ परियोजनाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जब गॉडफ्रे उसे परेशान करता है तो चेज उसे स्कूल ले जाता है। काम पर कार्ला के बॉस रेनॉल्ड ने उसे एक मॉइस्चराइजर के लिए एक प्रिंट विज्ञापन की मूल प्रति सौंप दी और उसे प्रस्तुति के लिए इसकी 20 प्रतियां बनाने के लिए कहा। कार्ला ने पहले कभी फोटोकॉपी मशीन का संचालन नहीं किया है, इसलिए वह विज्ञापन को जेरोक्स करने के लिए संघर्ष करती है और अपने चेहरे और हाथ की फोटोकॉपी समाप्त कर लेती है। फोटोकॉपी के स्याही और कागज से बाहर हो जाने के बाद कार्ला गलती से मूल प्रति को एक श्रेडर में डाल देती है, इसे एक फोटोकॉपी मशीन समझकर। जब सू आती है और उसे जल्दी करने के लिए मजबूर करती है, कार्ला उसके हाथ की फोटोकॉपी पकड़ लेती है और उसके साथ सम्मेलन कक्ष में जाती है। ग्राहक कार्ला की पोशाक को पसंद करते हैं और उसे प्रस्तुति शुरू करने के लिए कहते हैं। कार्ला अपनी बाह की फोटोकॉपी, जो किसी के नीचे की तरह दिखती है, कॉन्फ्रेंस रूम में लोगों को बांटती है। वह उन्हें बताती है कि यह एक बच्चे का तल है और मॉइस्चराइजर के लिए एक यादृच्छिक नारा के साथ आता है, एक बच्चे के तल के रूप में चिकना। आश्चर्यजनक रूप से ग्राहक इस अवधारणा को पसंद करते हैं, इसे ताजा कहते हैं। इस बीच एक वयस्क होने का उत्साह जल्द ही सैम के लिए कम हो जाता है, क्योंकि वह अपने साथ खेलने के लिए किसी को खोजने में विफल रहता है। वह महसूस करता है कि वयस्क होना मजेदार नहीं है और दुनिया को उसके मूल रूप में बदलने की कसम खाता है। एक स्थानीय भोजनालय में वह चैस को समाचार पर देखता है। चैस उन लोगों को आमंत्रित कर रहा है जिन्हें शेल्फ तक पहुंचने या अपने कपड़ों में फिट होने में परेशानी हो रही है, ताकि वे कुडलडाइन की यात्रा कर सकें। चैस अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से ले रहा है और लंदन, न्यूयॉर्क, तेल अवीव, पेरिस से नई दिल्ली तक हर जगह बच्चों को प्रभारी बनाने के लिए, धुंध ले जाने के लिए अपने पिता के विचार का उपयोग करने की योजना बना रहा है। कुछ प्रतिरोध की आशंका से चैस ने निंजा को अपने कुलीन अंगरक्षक के रूप में काम पर रखा। जब वह गॉडफ्रे को स्कूल से लेने आता है तो सैम को चैस की दुनिया भर में बाल वर्चस्व स्थापित करने की योजना के बारे में पता चलता है। सैम उसके पीछे रॉब और डेनिस के साथ कुडलडाइन मुख्यालय जाता है। वे पर्यटकों के रूप में मुख्यालय में प्रवेश प्राप्त करते हैं। वह रॉब और डेनिस को कडलडाइन डे केयर में भर्ती करता है और कंपनी के दौरे पर जाता है। एक उपयुक्त समय पर वह अन्य पर्यटकों से अलग हो जाता है और चांस की तलाश करता है। वह अंततः उसे डिमिस्टिफायर से दुनिया के हर कोने में धुंध भेजने की तैयारी करता हुआ पाता है। तभी सुरक्षा स्थल सैम कंपनी की जासूसी करता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि वह रॉब और डेनिस के साथ चुपके से निकलने का प्रबंधन करता है। घर लौटने के बाद सैम कार्ला को चेज की बुरी योजनाओं के बारे में बताता है। फिर वे पुलिस स्टेशन जाने से पहले रोब और डेनिस के लिए एक बच्चे को किराए पर लेते हैं। वहां वे जैस्पर से मिलते हैं और उन्हें चांस की योजनाओं के बारे में बताते हैं।
इस बीच चेज ने रॉब और डेनिस को उनके घर से अपहरण कर लिया। सैम और कार्ला अधिकारी जैस्पर के साथ कुडलडाइन मुख्यालय जाते हैं। सैम चार्ल्स को बताता है कि यह उसके लिए खत्म हो गया है, लेकिन केवल यह महसूस करने के लिए कि जैस्पर उसके साथ मिल रहा है। चेज ने सैम और कार्ला को नष्ट करने की अपनी योजना का खुलासा किया। चार्ल्स उन्हें मशीन के अंदर बंद कर देता है और एलेक्सिया को बेंसन परिवार की विमुद्रीकरण प्रक्रिया को समाप्त करने का आदेश देता है, जबकि वह धुंध ले जाने वाले पक्षियों को छोड़ने जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे वयस्कों में बदल पाते, रोब कैद से मुक्त हो जाता है और सैम और कार्ला को बचाता है। वे गार्डों से घिरे हुए हैं, लेकिन भाई बहन गॉडफ्रे के मुक्केबाजी दस्ताने का उपयोग करके उन्हें नीचे ले जाते हैं। जब चार्ल्स को सैम और कार्ला के बारे में पता चलता है तो वह उनके पीछे अपने निंजा भेजता है। हालांकि दोनों तेजी से उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। सैम अंततः चार्ल्स को ढूंढता है, लेकिन बाद वाला उसे गॉडफ्रे के रिमोट से मुक्त कर देता है। इस बीच कार्ला गॉडफ्रे की मदद से डिमिस्टिफायर के कंट्रोल पैनल तक पहुंच हासिल कर लेती है और मशीन में खराबी आ जाती है। वह फिर अपने भाई को अनफ्रीज करने में मदद करती है। जब चार्ल्स फिर से उसे फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ता है, सैम उसके साथ तर्क करने की कोशिश करता है। वह चार्ल्स को याद दिलाता है कि वह अपने पिता से कितना प्यार करता था और उसके पिता उससे कितना प्यार करते थे। कार्ला उसे बताती है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत सारी अद्भुत चीजें करते हैं, जैसे रात में उन्हें खाना खिलाना, रात का खाना बनाना, उन्हें नई चीजें दिखाना, उन्हें सही गलत सिखाना, अच्छा न लगने पर उनकी देखभाल करना, उन्हें गले लगाना। माता पिता हमारे शिक्षक हैं, हमारे अभिभावक हैं। वे हमारी देखभाल करते हैं और हमें बिना शर्त प्यार करते हैं। सैम चार्ल्स को याद दिलाता है कि वयस्कों की तरह काम करने के लिए उनके पास अपना पूरा जीवन है, इसलिए उन्हें बड़े होने की जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। चार्ल्स को अंततः अपनी गलती का एहसास होता है और वह पक्षियों को वापस बुलाने और दुनिया को वापस सामान्य करने का फैसला करता है। सैम और कार्ला अपने माता पिता को वापस पाने के लिए आभारी हैं और उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेने का वादा करते हैं। सैम अपने पिता को गले लगाता है और वह अब इसके बारे में शर्मिंदा नहीं है। इस बीच गॉडफ्रे चार्ल्स से उसकी उपेक्षा करने के लिए माफी मांगता है और उसे अपनी नंबर एक प्राथमिकता बनाने का वादा करता है। फिल्म समाप्त होती है जब सैमी और कार्ला परिवार की छुट्टी पर जाते हैं, जबकि उनके दादा दादी अभी भी गिरफ्तार हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।